ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शंकर को त्रिशूल, डमरू, चांद, सांप आदि क्यों दिखाए? ये बातें भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग में कुछ भी दिखा सकते, उनके अर्थ भी वो अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते। ज्ञान मार्ग में शंकर ना अंगा है, बिना शरीर का है। सूक्ष्म आकारी देवता है, और एडवांस पार्टी की आत्माओं द्वारा एडवांस परिवर्तन करने के लिए सहयोग का आधार है। भक्ति मार्ग में त्रिशूल को कह देते हैं कि तीन कार्य करवाते हैं परमात्मा, स्थापना, पालना, विनाश। शिवलिंग पर तीन लाइनें लगा देते हैं, ये भी ब्रह्मा विष्णु तीनों को दिखा देते हैं। डमरू बजाना, अब कोई कहते हैं ज्ञान का डमरू बजाया और कोई कहते हैं विनाश के लिए डमरू बजाया। मर्जी है, जो मर्जी कह दे। चांद दिखा दिया, पहना दिया, उसके क्या जरूरत है चांद को रखने। सांप बोले जी, विश्व सांप को भी यह लपेटे रखता है क्योंकि जंगल में रहता है। विष पिया है, उसको सांप ने आकर मुंह से चाट लिया, थोड़ा सा रह गया तो बिच्छू ने आकर के अपनी पूंछ से लपेट लिया, तो उसका वो बिच्छू का पूंछ जो है ना, वो जो है ना, वो जहरीली हो गई और उसका जीभ जहरीली हो गई। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में इनको कोई महत्व नहीं। ओ शांति। आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको जरूर बताने का पूरा प्रयास